न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह हुआ भीषण एक्सीडेंट। जानकारी के अनुसार उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बंगरा चौकी के अंतर्गत बंगरा और चिकराना के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति का शव कई टुकड़ों में पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने पर बंगरा चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक की शिनाख्त का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, लेकिन शव बुरी तरह से कुचल जाने के चलते मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी बड़े वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल घटना स्थल को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति का शरीर कई मीटर तक वाहन की चपेट में आने से घिसटता हुआ चला गया। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता सतेंद्र सागर के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। क्या नाम है? अजय कुमार। अजय जी, यहाँ क्या घटना हो गई है? यहाँ से हम निकल रहे थे तो देखा कि रोड पे ये लाश पड़ी हुई है और चित्र चित्र यहाँ पे पड़े हुए हैं। कोई नहीं था, 100 नंबर की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी और फिर उन्होंने फोन ऑन लगा के बुलाया। फिर देखा चल रही है, जाँच चल रही है। यानी एक व्यक्ति के शरीर के टुकड़े डले हुए टुकड़े कैसे हुए कुछ अंदाजा है? अब उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है, किसी ने जोरदार वाहन से कुचल दिया होगा उसको। ये लगता है कुचला गया है कहीं? हाँ, कुचला है। और ये लग रहा है, देख रहा है कि कहीं बहुत दूर से टक्कर हुई है। 50 मीटर तक कुचला है उसको। 50 मीटर तक कुचला है।